नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। हरियाली महोत्सव में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत श्री दीपक कुमार शुक्ला आईपीएस पुलिस अधीक्षक मंडला के द्वारा नेहरू उद्यान में तुलसी का पौधा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने एसपीसी योजना और इको क्लब के छात्र छात्राओं को अपने संदेश में कहा कि तुलसी, पीपल, नीम और अन्य फलदार पौधों का वृक्षारोपण करें। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति और मानव के लिए औषधि पौधे अति आवश्यक है। ये हमें सुबह से लेकर रात तक साथ देते हैं। हरियाली महोत्सव के अवसर पर उन्होंने आम जनता और छात्रों और शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आएं। इस अवसर पर श्री नीलेश दोहरे टीआई मंडला और श्री प्रकाश गडरिया टीआई महाराजपुर और आरके छत्री इको क्लब प्रभारी उपस्थित थे। आज हरियाली महोत्सव के अवसर पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज तुलसी पौधे का रोपण किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर कि इस वैश्विक बीमारी के लिए तुलसी एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि पौधा है। इसके लिए जो है आम बच्चों को, आम जनता को एक संदेश देने का कृपा करेंगे। देखिए, आज हरियाली महोत्सव है और जो वृक्ष है, जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। हमारे रोज़मर्रा के काम जो शुरू से, सुबह से शुरू होकर रात तक, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये किसी से छिपा नहीं है। और काफ़ी खुशी का विषय है कि आजकल कई संस्थाएँ, कई लोग और एक आम जनमानस भी जो है, उनमें वृक्षारोपण के प्रति और पौधों के प्रति काफ़ी एक जागरूकता आई है और समय समय पर ऐसे अभियान चलते रहते हैं। आप अक्सर करके देखेंगे कि बारिश के समय बहुत सारी संस्थाएं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के लोग, सरकारी ऑफिसेस, सभी लोग समय समय पर वृक्षारोपण करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा, बहुत सराहनीय डेवलपमेंट है ये। और ख़ास तौर से ऐसे पौधे जो हमारे लिए अलग अहमियत रखते हैं, चाहे वो तुलसी का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, नीम का पौधा हो या कोई भी और फलदार पौधा हो, बहुत सारे पौधे हैं जिनकी जड़ी बूटियां और दवाइयों में, आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है, तो उनका हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और इनसे लाभ लें। ये न सिर्फ पूरी प्रकृति के लिए बल्कि मानव के स्वयं के हित के लिए ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और हम उनका ध्यान रखें, उन पौधों को जीवित रखें, उनको बड़ा करें और इस जो हरियाली महोत्सव है इसमें एक संकल्प लें कि हम हरियाली को आने वाले दिनों में और बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।